तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कुफामोलिज्म है जो हमें हेल्प आउट करेगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और जनरल जो आइडिया होगा इनसे रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये होते क्या हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं आप सब लोगों को पता है जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करती हैं, और उनको यूज़ करते हुए हम इमेजेस जो हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं या लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और इनमें सबसे जो बेसिक एक तरह से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उनमें सबसे पहले चले लेंस की बात हम लोग कर लेते हैं। लेंस होता है, फिर इसके बाद मिरर होता है हमारे पास। अब लेंस और मिरर में दो चार चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लेंस जो होता है उसको हम कहते हैं कि इसकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। जो मिरर होता है उसकी एक साइड ट्रांसपेरेंट होती है, बल्कि उसको रिफ्लेक्टिंग बोला जाता है, और एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है। दूसरा ये कि जो लेंस है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करता है, और उसमें जो इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बनता है, जबकि जो मिरर है उसमें जो इमेज बनता है वो आपका रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है वो उबे करता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे जो मेजर कंसर्न होगा वो लेंसेज से होगा, और लेंसेज में भी हमारा कंसर्न जो है वो एक लेंस कन्वर्जिंग लेंस जो है उसको हम ज़्यादातर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम जो है वो कन्वेक्स लेंस भी होता है, और जो लेंसेज की दूसरी कैटेगरी है इसमें उसको बोला जाता है दैट इज़ द डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग को कनकेव बोला जाता है और कन्वर्जिंग को कन्वेक्स बोला जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब है कि वो लाइट रेज जो आ रही हैं जो उसके ऊपर फॉल करती हैं वो उनको एक पॉइंट पे फोकस करता है, और डाइवर्जिंग का मतलब है कि वो उन लाइट रेज को एक्सपेंड करता है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और दूसरा नाम जो है वो लेंस और मिरर का है। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसको फर्दर देखते हैं तो ये कुछ दो डायग्राम्स हैं जिनमें एक साइड पे लेंस और एक साइड पे मिरर जो है वो लेबल हुआ हुआ है। मिरर में आपको जो सरफेस नज़र आ रही है उसके अंदर एक ब्लैक कर्व नज़र आ रही है आपको, और एक उसके ऊपर ग्रे कलर की जो है वो लाइन नज़र आ रही है। एक्चुअली जो ब्लैक लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, और जो ग्रे कलर की है वो आपके पास पॉलिश सरफेस है। तो कंकेव लेंस में आप देख सकते हैं कि सेंटर से थिकनेस जो है वो हमारे पास कम होती है और कॉर्नर से उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर कंकेव मिरर की बात की जाए तो उसमें आप देखें वो उसकी जो कर्व बन रही है एक तरह से वो सेंटर में उसकी थिकनेस कम है और एजेस पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ समझ में आ रही है डायग्राम को देख के वो ये है कि जो कंकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है या एक्सपेंड करता है एक तरह से लाइट रेज को, और जो कनकेव मिरर है वो फोकस करता है एक पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर दूसरी तरफ कन्वेक्स लेंस को देखें तो कन्वेक्स लेंस की सेंटर से थिकनेस ज़्यादा है और एजेस से थिकनेस जो है वो कम है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में होते हैं तो ये सेंटर से इसकी जो कर्व है वो आपको बाहर की तरफ नज़र आ रही है और एजेस से जो है वो अंदर की तरफ है। तो ये जो करता है लाइट रेज इसके ऊपर जो फॉल करती है रिफ्लेक्ट बैक करवाता है और उनको एक्सपेंड करता है एक तरह से। तो ये जनरल सा एक आइडिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को हम ज़्यादातर यहाँ पे डील करेंगे हमारे पास क्योंकि टेलीस्कोप है या सिम माइक्रोस्कोप है उसमें हमारे पास जो लेंस यूज़ होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा। तो कन्वेक्स लेंस को ही हम जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक लेंस होता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड बाय कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है एक प्लेन सॉरी लेंस ऐसा होगा जिसकी एक साइड जो है वो प्लेन होगी और एक साइड कन्वेक्स होगी। कन्वेक्स का मतलब वो कनकेव शेप भी आप बोलते हैं। ये दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं, एक साइड पे जो बी वाली डायग्राम है उसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड जो है वो कर्व्ड है, तो इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोला जाता है जिसकी एक साइड प्लेन होगी और एक साइड जो है वो कर्व होगी। बाय कन्वेक्स लेंस आपको पता ही है बाय का मतलब कर्व होता है, तो उसकी दोनों साइड जो है वो कन्वेक्स होती हैं, तो उसको बाय कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। और अगर आप बाय कन्वेक्स लेंस को सेंटर से जो है वो आप कट कर दें तो वो हमारे पास जो है वो बन जाएगा दो सिंगल कन्वेक्स लेंस बन जाएंगे या प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएंगे। फिर इसके बाद
नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब इमेज कैसे बनता है इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें पहले कुछ की नोट्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले ये है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस जो होता है, एक तो वो रियल होता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, मैग्नीफाइड भी होता है, डायमिनिश्ड भी होता है और सेम साइज का भी होता है। ये कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक ही लाइन में लिख दी हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो इनको बारी बारी हम लोग देखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस जो होगा उससे इमेज रियल भी बनता है, इमेजिनरी भी बनता है। फिर इसी तरह मैग्नीफाइड और डायमिनिश, ये दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैग्नीफाइड मतलब साइज में बड़ा होता है, डायमिनिश्ड मतलब छोटा भी हो सकता है। और सेम साइज का मतलब है कि जितना आपको जाहिर है ऑब्जेक्ट का साइज है उतना भी इमेज का साइज भी हो सकता है। तो ये इसकी कुछ जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है वो किस तरह का हो सकता है। फिर इसके बाद कनकेव लेंस से जो इमेज बनता है वो विर्चुअल होता है, उसकी भी प्रॉपर्टीज देखी जा सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है वो यहाँ पे कन्वेक्स को ही ज्यादातर देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन आई के ऊपर जो है वो इमेज कैसे बनता है। तो ह्यूमन आई पे इमेज बनने से पहले एक जो टर्म डिफाइन की जाती है उसको विजुअल एंगल बोला जाता है। विजुअल एंगल का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज है वो आई के लेंस के ऊपर कोई एंगल बनाती है, उस एंगल को बोला जाता है दैट इज विजुअल एंगल। और वो विजुअल एंगल जो है जब ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तो विजुअल एंगल जो है वो बड़ा होता है, दूर हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो विजुअल एंगल जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। और जितना ये विजुअल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी हमें ऑब्जेक्ट का साइज एक तरह से बड़ा नजर आता है, और जब उसकी वैल्यू कम होगी तो हमें वो एक तरह से स्मॉल नजर आता है। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, वो एयरप्लेन वाली एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब एयरप्लेन, वैसे कोई और भी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात आप कर सकते हैं, कि जब वो रनवे पे खड़ा होता है या आप उसको प्लेटफॉर्म से देख रहे होते हैं तो वो आपको बड़े साइज में, एक्चुअल जो उसका साइज होता है वो साइज में नजर आ रहा होता है। लेकिन जब वो फ्लाई कर रहा होता है इन द स्काई तो वो आपको छोटे साइज में नजर आ रहा होता है, क्योंकि जो विजुअल एंगल आई पे बन रहा है वो विजुअल एंगल अब रिड्यूस हो गया। तो इस विजुअल एंगल की वजह से उसका साइज जो है वो कम नजर आता है आपको, अदरवाइज वो साइज उसका सेम ही रह रहा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये जो साइज है ये इसी तरह चेंज होता रहेगा, या ऑब्जेक्ट हमें क्लियर कब नजर आएगा, या किस पॉइंट पे हम देखेंगे तो हमें उसकी सारी डिटेल्स जो है वो नजर आ रही होंगी। तो इसके लिए डिफाइन किया जाता है मिनिमम डिस्टेंस, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ वीएन बोला जाता है, और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ वीएन भी बोलते हैं और नियर पॉइंट भी बोलते हैं। और इसको डिफाइन किया जाता है कि ये वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पे आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाजे नजर आ रहा होता है, कि जितनी उसकी डिटेल्स नॉर्मल नेकेड आई से नजर आनी चाहिए वो नजर आ रही होती हैं। और न्यूमेरिकली इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है फॉर नॉर्मल ह्यूमन पर्सन वो 25 सेंटीमीटर्स होती है। अब इसका कुछ इफेक्ट एज के साथ होता है। एज के साथ साथ ये जो नी डिस्टेंस ऑफ वीएन है इसका इफेक्ट पड़ता है ऑन द कॉर्निया या आई बॉल की, जो आप कह लें स्टिफनेस के ऊपर, जिसकी वजह से इसके विजुअल एंगल में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आप में से कोई गेस कर सकता है, और वैसे ही एमसीक्यूज भी है, कि विद द इंक्रीज इन द एज ऑफ अ पर्सन जो नियर पॉइंट उसका होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब ये है कि क्या ऑब्जेक्ट को अब नॉर्मल ह्यूमन पर्सन अपने सामने जब रखता है तो जब एज ज्यादा हो जाएगी तो उसको अपने से उसको दूर रखना पड़ेगा या अपने से नजदीक रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। जी, और कोई? मैं नजदीक ही रखना पड़ेगा। ये यासिर भाई ने मेरा ख्याल है पहले बताया था कि शायद इंक्रीज करेगा। अच्छा, इंक्रीज करने का मतलब ये है कि पहले अगर लेट से 25 सेंटीमीटर था तो अब लेट से 35 सेंटीमीटर हो गया। 35 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये ह्यूमन आई से डिस्टेंस है, तो मतलब उसको थोड़ा सा दूर और करेगा तो तब उसको जो है वो क्लियर नजर आएगा। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि जब एज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ये जो नियर पॉइंट है आपका ये इंक्रीज करेगा या ये डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज कर जाता है एक्चुअली, कि अब जो है ये नॉर्मली हम लोगों ने कभी शायद ऑब्जर्व भी किया हो कि
कि ये जो थोड़े एजेड लोग होते हैं, अगर उन्होंने कोई चीज देखनी हो तो बजाय इसके कि अपनी आंखों के नजदीक करें, उसको थोड़ा सा दूर करके देखने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो बेहतर से वहां से नजर आता है। और उसको ये बोला जाता है कि एक्चुअली जो आई बॉल होता है उसकी स्टिफनेस का इफेक्ट होता है, तो वो विद द एज वो स्टिफ होता जाता है, जिसकी वजह से उसका व्यू एंगल जो है वो स्मॉलर होता जाता है, जिसकी वजह से उसका ये इफेक्ट होता है। तो ये एक एमसीक्यूज था जी। इसके बाद ये मैंने बता दिया, विद इंक्रीज इन द एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ वीएन जो है वो इंक्रीज करेगा आपका। फिर इसके बाद लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर कंसिडर्ड टू बी पैरेलल, ये कुछ की नोट्स हैं, पॉइंट्स टाइप बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक ज्यादातर चीजें जो है वो याद रखने वाली हैं, मैथमेटिक्स जो है वो कम इन्वॉल्व होगी, तो वो कुछ चीजों को समझने के लिए वो पहले की नोट के तौर पे जो है हम उनको याद रखते हैं। तो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर कंसिडर्ड एज पैरेलल। इन्फिनिटी का मतलब, अब नॉर्मली तो जब हम बात करते हैं इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड है, ये इस तरह की कोई चीज है, तो ऑप्टिक्स में इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? ये ऑप्टिक्स में अगर हमने इन्फिनिटी को समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? अक्सर हम लोग ये कहते भी हैं कि जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। अब अगर वो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो क्या हमें वो नजर नहीं आता? जी, आप में से किसी ने बताना है, फिर उसके बाद जो है मैं डिस्कस करूंगा। वकास में मेरा ख्याल है कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे बनता है ना, उसका ये रीजन ये होगा कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, दूर जाके इन्फिनिटी में जी, इंटरसेक्ट कर एक रही आइडिया होगी। ये कंसीडर किया जाता है कि जहां पे जिस पॉइंट पे जाके लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, उस पॉइंट को इन्फिनिटी पॉइंट कंसीडर किया जाता है। जी बिल्कुल एग्जैक्ट ये आइडिया है। और कहीं एक जगह से मुझे इसकी कोई वैल्यू मिली थी, अब पता नहीं कितने परसेंट दुरुस्त है या नहीं, लेकिन वो साहब ये कहते हैं जिनसे हमारी डिस्कशन हुई है, वो ये कहते हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट जो होता है ये 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है, कि जो लेंस होगा अगर उसकी फोकल लेंथ का 10 टाइम्स होगा तो वहां पे जाके जो लाइट रेज हैं वो दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अगेन रेफरेंस वही है, पैरेलल होने वाला, तो इतनी लेंथ पे जाके वो पैरेलल हो जाती है और उस पॉइंट को जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट कंसिडर किया जाता है। जैसे नॉर्मली अगर हम किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे लिए तो वहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो सारी पैरेलल हैं, इसी वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि वो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और वहां से हम जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी का जो आइडिया है वो ऑप्टिक्स में ये कंसिडर किया जाता है। एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी और को पता हो तो वो शेयर कर सकता है, मुझे जो पता थी वो 10 F थी। जुएब भाई ठीक कह रहा हूँ मैं? मुझे जो था जी जी विकास भी ठीक आइडिया, कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और फॉर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई जो होता है उसको भी इन्फिनिटी कंसिडर किया जाता है। पहले हम लोगों ने एक इन्फिनिटी नियर पॉइंट कंसिडर किया था, अब हम फॉर पॉइंट की बात कर रहे हैं। फॉर पॉइंट एक तो नेम से जाहिर हो रहा है कि मतलब दूर, अब दूर है तो कितना दूर है, तो फॉर पॉइंट का अगेन मतलब ये इन्फिनिटी ही है। और इसी वजह से इन्फिनिटी का जो आइडिया है वो मैंने पहले क्लियर किया है कि इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जहां से लाइट रेज जो आ रही है वो पैरेलल होंगी तो इसका मतलब होगा वो इन्फिनिटी पॉइंट होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जमीन से तो एक तरह से इन्फिनिटी पे होते हैं, और टेलीस्कोप जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कंसिडर यही करते हैं कि जो लाइट रेज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो पैरेलल हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, या वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे है। तो ये कुछ जो है वो इसके की नोट्स हैं। इसके बाद अब लेंस के ऊपर इमेज कैसे बनता है, ये बहुत ही एक तरह से टेक्निकल है और अच्छे से समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सब लोगों को आइडिया ही है, ये हमें पढ़ाते पढ़ाते कई अरसे बाद पता चला था कि ये ऐसे होता है। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हों तो शायद उनको पता हो, या जो अर्ली स्टेजेस पे अच्छे स्टूडेंट्स थे। ये जी मेरे पास एक लेंस है और इस लेंस को कन्वेक्स लेंस हम बोलते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो सेंटर से ज्यादा है। लेंस में बेसिक 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक फोकल लेंथ होती है, एक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और एक डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। हमें पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एफ होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अब सिचुएशन ये होती है कि लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पे रखना है तो इमेज हमें किस तरह का नजर आएगा, ये टेक्निकली समझने वाली बात होती है और ये चीज समझने वाली है। इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन को दो कैटेगरीज में अगेन डिवाइड किया जाता है, एक लीनियर होती है और एक एंगुलर होती है। जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है, यहाँ पे हम लीनियर डिस्टेंसेज की बात कर रहे हैं तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगी। और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज होते हैं, उनको जो है मैं यहाँ पे इनलिस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है जो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, साइज ऑफ इमेज को जो है ना वो कई दफा आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई स्टैंड फॉर इमेज और आई उसका साइज है, लेकिन ये नोटेशंस हैं, कई बुक्स में ये नोटेशंस जो है वो डिफरेंट भी हो जाती हैं। तो इस हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा जो आई होगा इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज है, लेकिन हमारे यहाँ जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें आई का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज ही होता है। फिर इसके बाद पी एंड क्यू भी आपको पता है नोटेशंस यूज होती हैं, यू वी भी यूज होती हैं। तो वो नॉर्मली जो बुक यूज की जा रही है उसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर ये बाज़ोगत बता दिया जाता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसी के बाद है जी एंगल सबटेंडेड बाय द एडेड आई एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द अनएडेड आई। ये हम लोगों ने स्टार्ट में विजुअल एंगल की बात की थी। तो विजुअल एंगल अनएडेड आई का मतलब है जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं, चाहे उसको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी उसका एंगल बन रहा है, और अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए विजुअलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको बोला जाता है कि अब वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल बाय द एडेड आई होगा। इसके बाद पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो डायोप्टर कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया है कि पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर। उसके लिए जो फार्मूला है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, लेकिन जो यहाँ पे नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि फोकल लेंथ जो होगी उसके जो यूनिट्स होंगे वो मीटर्स होंगे। अगर मीटर यूनिट्स होंगे तो तब पावर का जो फार्मूला है वो 1/f बनेगा, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो डायोप्टर बनेंगे। लेकिन अगर वैसे ज़्यादातर होता ही ऐसे है कि आपको सॉल्व करने के लिए मीटर्स की बजाय सेंटीमीटर्स में दे दी जाती है फोकल लेंथ, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंसेज होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं सेंटीमीटर्स में, तो फिर पावर का जो फार्मूला है वो 100/f हो जाएगा। वो हमें पता है कन्वर्जन से भी आ जाता है, आप वहाँ से कर लें यहाँ से कर लें, इन दोनों केसेस में इसके जो यूनिट्स होंगे वो डायोप्टर यूनिट्स होंगे, और 1 डायोप्टर उस वक्त होता है जब फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। अब ये पेज जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिया तो मैंने ये नेट से है, लेकिन जाहिर है मुझे स्लाइड्स बनानी थी इस वजह से। इसके अंदर 6 केसेस हैं, 1 2 3 4 5, चले 5 इनलिस्ट हुए हुए हैं यहाँ पे। बारी बारी ये देखते हैं हमने। केस वन अगर आप देखें तो कन्वेक्स लेंस आपको एक नज़र आ रहा होगा, और राइट साइड पे जो है वो ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड पे इमेज है। अच्छा चलें जी, ऑब्जेक्ट और इमेज किससे जाने या इस स्लाइड्स पे जाने से पहले हम लोग क्यों ना ये समझ लें कि इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आप में से कोई शेयर करना चाहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे हम, इमेज किसे कहेंगे हम? वो काशिफ, मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो होता है रियल, लेकिन जो इमेज होता है, इमेज की कैटेगरी ये होती है कि वो रियल के साथ इमेजिनरी भी हो सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल होता है। अच्छा, रियल होने में बाय द वे आपका आइडिया क्या है, या मतलब क्या है रियल होने का, कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता यस, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आपके सामने होता है वो है एक्चुअली। आपके सामने, चले आपके सामने से हमारे ना भी हो तो नॉर्मली, जैसे कई दफ़ा ये होता है कि अपने आप का ये आइडिया समझने के लिए ना आपको कोई चीज़ें कंक्लूड करनी पड़ती हैं, जो शायद लिटरेचर में तो एग्जैक्ट वो वर्ड्स ना हो, लेकिन आपके आइडिया को समझने के लिए वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो मैं इसी वजह से इसके लिए जो एक वो आपकी नोट समझ लें उसको बनाया हुआ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, आप उसको टच करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये सूरत हाल चेंज हो जाएगी। तो आसानी से समझने के लिए हम जो इस केस में यहाँ पे हमारी हेल्प आउट करेगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो इमेज होता है वो लेंस से आने वाली रेज के रिफ्लेक्ट होने से या रिफ्लेक्ट होने से बनता है, उसको बोला जाता है ये इमेज है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होंगे तब जो है वो इमेज बनेगा। अब जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट केस में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको एंटिटी जो नजर आ रही है वो बल्ब है, और राइट साइड पे भी नजर आ रहा है वो भी बल्ब ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड पे है और इमेज है जो सॉरी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है और इमेज राइट साइड पे।
अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिहाज से इमेज की पोजीशन होती है और इमेज की नेचर होती है कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा, डायमिनिश्ड होगा, सेम साइज का होगा। एक तो ये आइडिया है। दूसरा, ये जो कन्वेक्स लेंस होता है इसमें अक्सर ये नहीं पता चलता कि जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, स्पेशली रे डायग्राम से, कि आपके सामने अगर रे डायग्राम हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो रियल है या इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है या इमेजिनरी है। तो इसके बारे में कोई फार्मूला है आप लोगों के पास? मेरे पास जो होगा मैं तो वो शेयर करूंगा, लेकिन जाहिर है हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा नॉलेज जो है वो भी बढ़े, हमें भी कोई नई चीजें सीखने को मिले। वो काफी कोई सच है फॉर्मूला तो नहीं मेरे माइंड में है, लेकिन ये एक नॉलेज जरूर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखा जाता है ना, तो वह इमेजिनरी इमेज बनाता है अच्छा, उसके कब बनेगा अलावा इसकी फोकल। बात नहीं हो रही, मतलब रियल कब बनेगा या इमेजिनरी कब बनेगा ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि ये रे डायग्राम है, ये सारे पांच रे डायग्राम्स आपके सामने हैं। अगर इन रे डायग्राम्स को आप देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल इमेज किस डायग्राम में बन रहा है और इमेजिनरी किस डायग्राम में बन रहा है? रियल इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, आपके ऊपर जितने भी ये बन रहे हैं फर्स्ट ट्री जो इमेज है उसमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है जो कि जो रियल होगा, ठीक लेकिन है, जो आपका इमेजिनरी इमेज होगा वो इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है, वो एरेक्ट होगा और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा वैसे इन्वर्टेड वाला जो केस है ना, वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, वो इरेक्टेड भी है, वो अपराइट वाला भी है, वो तीनों केसेस हैं। तो मुझे जो बात यहाँ से काफी समझ आ इसका रही बहुत है, वैसे एक और तरीका भी होता है वो जी तो देखने का, रियल और इमेज वो वर्चुअल इमेज का, और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है ये। अगर लेंस के लेफ्ट साइड पे इमेज बन रहा हो तो वो वर्चुअल लेते हैं हम, अगर लेंस के राइट साइड पे बन रहा हो तो वो रियल लेते हैं हम। जी सही कह रहे हैं सुबे भाई। मैं इसको नॉर्मली जनरलाइज इस तरह करके करता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे हो ना, कन्वेक्स लेंस के केस में, स्पेशली कन्वेक्स लेंस के केस में, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे हो तो इसका मतलब है जो इमेज बन रहा है वो आपका इमेजिनरी है, और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड्स पे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इमेज है वो आपका रियल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनना है आपके पास वो रिफ्रैक्शन से बनना है, और लाइट रिफ्रैक्ट होके जब दूसरी साइड पे जाएगी तो वो रियल इमेज बनाएगी। अभी इमेजिनरी केस वाला भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये वर्चुअल इमेज वाला भी। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड पे हो जाएंगे तो इसका मतलब है जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, और अगर अपोजिट साइड पे है तो जो इमेज है वो रियल है। मुझे तो इसने काफी अच्छा चलता है, अच्छा काफी समझ आ जाती होती है। विकास भाई, ये रियल और इमेजिनरी में कोई फर्क भी होता है? मतलब हम उसे जब देखते हैं तो कोई क्लियर होता है रियल और इमेजिनरी, कम क्लियर होता है विर्चुअल होता है, ऐसा भी कोई सीन होता है? अच्छा वैसे एग्जैक्ट देखने का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमें आइडेंटिफाई होता है वो उसकी ऑब्जेक्ट पोजीशन से होता है। ऑब्जेक्ट पोजीशन से हमें पता चलता है कि जो इमेज बन रहा है वो रियल है या वो वर्चुअल है, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो उस डिवाइस की पैरामीटर्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसने हमें इमेज रियल देना है या वर्चुअल देना है। देखने बेसिकली जिस हम क्या, जी जी बोले आप। मुझे तो जो आइडिया है या जो मुझे समझ में आई हुई बात वो यही है कि जो ऑब्जेक्ट, जी कुछ लोग कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे बनता है वर्चुअल इमेज जो होता है, मतलब उसकी कोई आप ऐसे समझ लेंगे कोई उसकी फिजिकल हम जिस तरह कह सकते हैं कि वो होता ही नहीं है, सिर्फ वो हमें नजर लगता है कि है। तो जिस तरह वो चूंकि जिस तरह हमारे पास कोई कन्वर्ज होता है तो वो तो रियल बन जाता है जब कन्वर्जेंस होती है, लेकिन ये चूंकि कन्वर्ज होता ही नहीं है, बैक पे कहीं से पीछे से नजर आ रहा होता है, बहुत दूर से कहीं से पीछे से आ रहा है, इसकी कोई मतलब हम, ये होता ही नहीं है बेसिकली कोई इमेज, बस मुझे हमें लगता है नजर आ रहा होता है, ऐसा भी कुछ है? एग्जैक्ट इसका नहीं आइडिया, शायद कोई और जो है वो इसमें रिमार्क्स दे सके, लेकिन किसी हद तक मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ कि क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि वो जो इमेज है जैसे वर्चुअल है तो मे बी उसकी ब्राइटनेस में रियल इमेज की बजाय कुछ कमी हो, लेकिन ये ब्राइटनेस में कमी होना या वाजे होना ये सारे का सारा जो आपको पता है रिलेटिव टर्म्स है। अब से हमने जो पहले इमेज देखा था वो हमारे लिहाज से तो जो है वो बहुत ज्यादा कलरफुल हो, लेकिन एक्चुअल में वो इतना ना हो, तो हम लोग तो जब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा तो यही आइडिया होगा ना कि वर्चुअल वाला जो इमेज है वो लेस ब्राइट है और जो रियल वाला है वो ज्यादा ब्राइट है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से उसको ऐसे, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म्स एक तरह से आ जाती हैं,
तो रिलेटिव आपको पता है हमेशा जो है उसके ऊपर 100% नहीं कहा जा सकता कि ये क्या होगा। ठीक है विकास भाई, आप आगे चलें, अब टाइम भी आगे। जी अच्छा, ये पांच पॉइंट्स हैं जी। पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट है। डिस्टेंट का मतलब ये है कि टू ऑब्जेक्ट को आपने 2F से बाहर रखा है, तो जो आपके पास इमेज बनेगा एक तो वो इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर बनेगा। ये एमसीक्यूज है और सारे का सारा खेल लेंसेज का है इधर ही कि इमेज बनेगा तो रियल इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर होगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? अवे फ्रॉम द 2F, 2F से भी ज्यादा, 3F, 4F, 5F यहाँ पे कहीं होगा, 5F शायद ना भी कंसिडर किया जाए, बट 2F से ज्यादा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट होगा एक तो वो रियल होगा, दूसरा वो इन्वर्टेड होगा, और तीसरा जो है वो स्मॉलर होगा देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा केस ये है कि अगर आप उसको एग्जैक्ट 2F पे रख देते हैं तो अगेन ऑब्जेक्ट रियल ही बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, बट उसका जो साइज है वो उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का साइज था। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज इक्वल उस वक्त होगा जब ऑब्जेक्ट को आप 2F पे प्लेस करेंगे। तीसरा केस है कि जब आप F और 2F के दरमियान में रखते हैं, नॉर्मली हम लोग जो स्टडी करते हैं वो यही स्टडी करते हैं। इस केस में रियल बनता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। इस टेबल से ना बेतहाशा एमसीक्यूज है। एक तो ये इनकी नेचर वाले एमसीक्यूज हैं, इसके साथ साथ इनकी पावर वाले एमसीक्यूज बन जाते हैं, इनके साथ साथ इनके एमसीक्यूज बनते हैं मैग्नीफाइंग पावर के। अब फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो वो जब लेस देन ओरिजिनल बन रहा है तो इसका मतलब उसकी मैग्नीफाइंग पावर लेस देन बन रही है। अब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो है क्योंकि वो मैग्नीफाई करके दिखाता है तो उसकी वैल्यू शायद ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, लेकिन वो लेस देन वन भी हो सकती है। वो स्पेशल केस है जब 2F से ज्यादा पे होगा। इसी तरह इक्वल टू वन भी हो सकती है, वो किस केस में होगी? जब ऑब्जेक्ट को आप 2F पे प्लेस करेंगे। अब ग्रेटर देन वन कब होगी? जब F और 2F के दरमियान होगा। अभी भी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज रियल ही है, इन्वर्टेड है, बट उसका जो साइज है वो लार्जर हो गया देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाई हो गया। अब अगर हम F पे रख दें, F पे रखने से आपके पास जो इमेज बनेगा इसको लो इमेज या इन्फिनिटी बोलते हैं, कि जो अब इमेज बनेगा वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। इसी तरह अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन लेंस एंड F रख देते हैं, मतलब लेस देन F पे रखते हैं, अब आपके पास जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और अपराइट बनेगा। अपराइट मींस के जो उसका हेड है और जो ऑब्जेक्ट का हेड था वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो अपराइट बन गया, मैग्नीफाइड बन गया और इमेजिनरी बन गया। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें इमेज जो है वो आपके पास रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि जो इमेज है वो आपका वर्चुअल बन रहा है। और जो एमसीक्यू है कि क्या जो है वो साइज ऑफ द इमेज जो है या जो मैग्नीफाइंग पावर है वो लेस देन वन भी हो सकती है, तो उसके लिए केस वन आपके पास हो सकता है कि लेस देन वन उस वक्त होगी जब अवे या डिस्टेंट या 2F पे रखा जाएगा, तो तब जो है वो लेस देन वन हो जाएगी, इक्वल टू वन वाला भी एंड सो ऑन। तो इस वजह से ये जो चार पांच केसेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए। ये उनका आइडिया है और ये उनकी जो है वो कुछ की नोट्स थे। इसके बाद फोकल लेंथ की तरफ आते हैं। फोकल लेंथ जो होती है उसको नॉर्मली हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट से एक से ज्यादा लेंस। तो काश भी मैंने पॉइंट ऐड करना था। जी जोएब भाई, अच्छा एक स्लाइड पीछे करेंगे जरा, वो पीछे वाली स्लाइड से। अच्छा इसमें ना मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, सबको पता है, एक होता है क्यू बाई पी या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है वन प्लस डी बाय। तो ये दोनों फॉर्मूलाज ना अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अगर तो आपके पास ये, अगर आपके पास ये फोर्स वाला केस है ना, ऑब्जेक्ट जो है ये एफ फोर टू एफ फोर एफ वाला केस है, इन्फिनिटी वाला एफ वाला, हाँ थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस के लिए फॉर्मूला यूज होता है क्यू बाई पी या आई बाई ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फोर्थ वाला केस है उसके लिए यूज होता है डी बाई एफ, डी यहाँ पर नियर पॉइंट होता है। और जो फिफ्थ वाला केस है उसके लिए होता है वन प्लस डी बाई एफ। जी ये तीनों अलग अलग फॉर्मूलाज है मैग्निफिकेशन के, जो तीनों अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। जी ठीक हो गया, मैंने इनको सिंपल माइक्रोस्कोप में रखा था, आपने ऐड कर दिया है। अब वहां पर भी वो क्लियर हो जाता है ना फिर, हाँ। कि वो d by f क्यों आता है और 1 plus d by f क्यों आता है और q by p क्यों आता है साथ में। जी ठीक हो गया। एनीवन एल्स
और कोई ऐड करना चाहे इसमें कुछ? ये जो फर्स्ट तो केस है, इन दो में कौन सा यूज होगा? मैग्नीफिकेशन का फार्मूला? इसमें मैग्नीफिकेशन होती नहीं है। नेक्स्ट है जी, ये फोकल लेंथ एक्चुअली लेंसेज के कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था, और अभी तक मैं एक ही टाइप का लेंस यूज कर रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस। अगर दो कन्वेक्स लेंस सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनकी वजह से जो नेट फोकल लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी? तो वो रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंस आते हैं, इंडिविजुअल फोकल लेंस का रेसिप्रोकल होंगे। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कंकेव की जो है वो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अगर दोनों कन्वेक्स होंगे तो 1/f + 1/f हो जाएगा, अगर एक कंकेव होगा एक कन्वेक्स होगा तो डेफिनेटली वो सब्ट्रैक्ट होके आएंगे। तो ये इंडिविजुअल फोकल लेंथ और टोटल फोकल लेंथ है। अब यहाँ से ही मैं पावर की बात करता हूँ कि अगर लेट से दो लेंस हैं जिनकी पावर लेट से 1 डायोप्टर और एक की 2 डायोप्टर है, और दोनों जो है वो सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़े हुए हैं, तो नेट पावर कितनी होगी? नेट पावर कैसे फाइंड आउट की जाएगी? आप में से किसी ने बताना है? फोकल लेंथ का फॉर्मूला रेसिप्रोकल से आ रहा है, पावर का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? पावर सिंपली ऐड होंगी, रेसिप्रोकल ऐड होंगी? सिंपली ऐड होंगी, सिंपल होंगी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, क्योंकि पावर जो है वो रेसिप्रोकल होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी रेसिप्रोकल आ रहा है, तो वो सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो एक हमने मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग फार्मूलिज्म एक पढ़ रहे होते हैं या कोई एक इक्वेशन होती है और उसको इंडिविजुअली जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हमने देखना होता है। नेक्स्ट जो है वह जी रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को बोला जाता है जी एबिलिटी टू रिवील द माइनर डिटेल्स। ये सिंपल सी मुझे तो एक इसकी डेफिनेशन और यही पसंद है मुझे तो, कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स जो है वो दे सकता है, उसको बोला जाता है दैट इज द रिजॉल्विंग पावर। ये हैंड रेज किया हुआ है किसी ने, बोल दे क्वेश्चन क्या है, या वैसे ही हैंड रेज हो गया? जी तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि कितनी डिटेल्स जो है वो वहां से ली जा सकती हैं। इसको समझने के लिए ज्यादातर वैसे आप लोगों को आइडिया है ही सही, कि कई दफा ये होता है कि हम लोग किसी इमेज को जब देख रहे होते हैं तो हमें वो इमेज तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है हम लोग वो गैदर नहीं कर पा रहे होते। इसको बायोलॉजिकल की टर्म्स में हम लोग ये देखते कहते हैं कि अगर हमने एक सेल को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं, तो उससे सिर्फ हमें शायद शायद जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहे हों या ऑर्गेनलीज नजर आ रहे हों कि ये यहाँ पे कुछ एंटिटीज हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। तो जब आप हायर रिजॉल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो ना सिर्फ आपको वो एंटिटीज नजर आएंगी बल्कि उन एंटिटीज के अंदर कुछ है या उनके जो इमेज हैं वो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ या बेहतर अंदाज से नजर आएंगे। इसको आप लोग वो अपने मोबाइल फ़ोन की पिक्चर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर वो मोबाइल फ़ोन का कैमरा लेस पिक्सल्स वाला है तो जब आप उसको जूम इन करते हैं तो उसकी तस्वीर कुछ टाइम के बाद जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो वो इमेज के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी थी, पिक्सल्स इतने थे, लेकिन अगर हाई पिक्सल कैमरा होगा तो वो आप जूम करते जाएं तो वो जूम इन से इन्फॉर्मेशन में लॉस नहीं आएगा। तो इसी तरह करके कुछ रिजॉल्विंग पावर जो है उसका भी आइडिया होता है। और मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर, ये दोनों अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की ये दोनों हाई हो तो तभी उसका फायदा होता है। अगर सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो और रिजॉल्विंग पावर कम हो उसका भी फायदा नहीं है, अगर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो मैग्नीफाइंग पावर कम हो उसका भी नहीं फायदा। तो ये अगर आपको ज्यादा डिटेल्स लेनी है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, तो रिजॉल्विंग पावर भी हाई होनी चाहिए और मैग्नीफाइंग पावर जो है वो भी हाई होनी चाहिए। इसके लिए एक रेले फार्मूला यूज किया जाता है रिजॉल्विंग पावर का, जो कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, और वो ये होता है कि जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज 1/α minimum, 1/α minimum होता है, और अल्फा मिनिमम को डिफाइन किया जाता है 1.22 λ/d। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है, डी जो है वो आपका डायमीटर ऑफ द लेंस होता है, 1.22 जो है ये कांस्टेंट का फैक्टर है जो यहाँ पे अपीयर होता है। अगर आप इसको अबव इक्वेशन में रिप्लेस करवा दें तो ऑब्वियसली हमारे पास ये बन जाएगा डी ओवर 1.22 λ।
अब यहाँ से एक दो चीजें जो है वो हमने समझनी है। सबसे पहले कि जो डायमीटर ऑफ द लेंस होगा, जितना वो ज्यादा होगा उतना हम रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगी। और डायमीटर ऑफ द लेंस के बड़े होने का मतलब है कि लेंस का साइज बड़ा हो रहा है, लेंस का साइज बड़ा हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ती है उससे। तो जितना लेंस बड़ा यूज करेंगे आप, उतनी ही रिजॉल्विंग पावर जो होगी आपके पास ज्यादा होगी। दूसरा जो है वो वेवलेंथ का है। वेवलेंथ वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट प्रेफर की जाती है या रेड लाइट प्रेफर की जाती है। जी ब्लू क्यों प्रेफर की जाती है? कि ब्लू की जो वेवलेंथ है वो रेड से कम है, और वेवलेंथ कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो हाई होगी। ऑल्दो इसका एक और फैक्टर डिस्पर्शन वाला भी होता है, लेकिन क्योंकि वो हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे उसको, तो हम लोग रिजॉल्विंग पावर के साथ इसको रिलेट करते हैं। और अगर ब्लू के अलावा आप एट द एंड उस पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो आप वॉयलेट के लिए भी लिख सकते हैं, कि अगर एमसीक्यूज में आपके पास ब्लू की बजाय वॉयलेट गिवन है तो वॉयलेट लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा जो कंपेरिजन होता है वो रेड और ब्लू का होता है, तो इस वजह से जो है वो रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है, और वाइट लाइट की बजाय वहाँ पे ब्लू लाइट यूज की जाती है। इसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप है जी। सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको बोला जाता है और कन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। ये हमारे पास भाई एक बात जी, मैं ये कह रहा था कि रिजॉल्विंग पावर और वो जो अल्फा मिनिमम का जो इनवर्स रिलेशन है उसमें अल्फा मिनिमम के बारे में मैंने एक दफा पढ़ा था कि ये डिस्पर्शन एंगल होता है, और जितना डिस्पर्शन एंगल ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर कम होती जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्पर्शन मेरे ख्याल में इसको विजुअल एंगल बोला जाता है, और अभी रिसेंटली मैंने बताया था जब स्टार्ट में कि विजुअल एंगल, अगेन हम वही एग्जांपल ले लेते हैं एयरप्लेन वाली, कि जब वो बहुत ज्यादा दूर होता है तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू हमारे पास स्मॉलर है, और अगर वो स्मॉलर है तो फिर रिजॉल्विंग पावर हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ठीक, तो फिर अल्फा मिनिमम जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, क्या चीज होगी? जुहेब बताएं यार, को थोड़ा सा गाइड करें इस वाले से। डेविएशन एंगल भी कहते हैं इसको, शायद जितनी ज्यादा डेविएट होगी। मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट था, तो मेरा कोई इतना अच्छा पेपर नहीं है ये थ्योरी और ऑप्टिक्स वाला, तो वो यही है कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर है उसमें जो नियरेस्ट दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो कंजेक्टिव दो पॉइंट, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो मिनिमम एंगल बन रहा होता है उसको अल्फा मिनिमम कहते हैं। अब वो एंगल जितना मिनिमम होगा ना, अब जितना एंगल कम होगा, पिक्सल्स उतने ज्यादा चाहिए होंगे हमें पिक्चर को कम्प्लीट करने, और जब पिक्सल्स ऑब्वियसली इंप्रूव करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप। इसको समझने के लिए ना वो एक छोटा सा हो गया है कि दो पॉइंट्स जो हैं, अगर वो दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, तो अगर उन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी सेपरेशन ज्यादा है तो आपके पास अल्फा मिनिमम जो है उसकी वैल्यू आपके पास ज्यादा होती जाएगी। ये जो एंगल बन रहा है ये उन दोनों पॉइंट से आने वाली रेज के दरमियान बन रहा है, कि एक पॉइंट से भी एक रे आ रही है, दूसरे पॉइंट से भी एक रे आ रही है, आई के ऊपर आके या लेंस के ऊपर आके जब वो आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान एंगल बनता है। जितना वो एंगल की वैल्यू स्मॉलर होगी तो आपकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, और वो उसी के होगा जब आपके पास वो जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्क्रिमिनेट कर सकें या उनके दरमियान आप कुछ ऐड कर सकें। तो ये आइडिया है मेरे ख्याल में जी। ये जीशान आरएफ साहब हैं, ये पता नहीं हैंड रेज वैसे हुई जा रहा है या कोई बात करना चाह रहे हैं। जी मैं पूछना चाह रहा था कि डायमीटर ऑफ लेंस की कोई लिमिट होती है? लिमिट का क्या मतलब है एक्चुअली पता नहीं, मुझे नहीं आईडिया लिमिट क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखिए जब भी हम ये पूछना चाह रहा था कि उसका कोई पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट या कोई एंडिंग पॉइंट होगा कि विदाउट एनी लिमिट होगा। असल में जो बात होती है ना एग्जैक्ट नंबर्स वाली, एग्जैक्ट नंबर्स समटाइम्स याद होते हैं समटाइम्स याद नहीं होते, लेकिन मुझे जो आइडिया यहाँ से कुछ समझ में आता है या आपके क्वेश्चन से जो मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ वो ये है कि देखें लेंस जब भी हम यूज करते हैं या कोई डिवाइस यूज करते हैं तो उसका हमारा पर्पज होता है, कि अगर हमने डिवाइस यूज करनी है हम उसको दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। अब जैसे माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें हम यूज करते हैं नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो ऑब्जेक्टिव हम यूज करते हैं वो लेस फोकल लेंथ का होता है। अब फोकल लेंथ और डायमीटर ऑफ द लेंस भी रिलेट करता है, तो वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि जो उसका डायमीटर है या जो लेंस का साइज है वो शॉर्ट हो। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें वहाँ पे हमारी डिमांड डिफरेंट है। अब वहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो अब उसको देखने के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं वो लार्जर फोकल लेंथ का यूज़ करते हैं, और अगर फोकल लेंथ लार्जर करनी है तो उसका ज़ाहिर है डायमीटर जो है वो बढ़ेगा।
एग्जैक्ट नंबर्स का मुझे नहीं आइडिया, ना मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, जो कुछ मेरा आइडिया है या जो मुझे आपके क्वेश्चन से समझ आई है वो मैं ये ऐड कर सकता हूँ। कोई और कोई चीज ऐड करना चाह रहा है तो कर सकते हैं, ओपनली वेलकम। रिजॉल्विंग पावर में विकास भाई वो r इक्वल टू n क्रॉस m है जी, ग्रेटिंग यूज किया जाता है। हां जी, ग्रेटिंग का फार्मूला होता है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला, और उसके बाद अगर हम दो वेव में इस्तेमाल करें हां जी, इसके लिए भी एक रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है। एक्चुअली वो लेंस के लिए लैम्डा मीन बाय लैम्डा का डिफरेंस लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा। स्पेक्ट्रोमीटर क्योंकि हमने पढ़ना है तो वहां पे मैं उसको ऐड करूंगा, यहां पे मैंने किया नहीं है। लेंस के लिए ये फार्मूला थे, हमने इस वजह से इन दोनों को ऐड कर लिया। बेहतर जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का केस अभी जैसे भाई पूछ रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट को आप नजदीक रखते हैं कितने पॉइंट पे कि वो आप बिटवीन एफ एंड लेंस, तभी आपको जो है वो मैग्नीफाइड इमेज नजर आता है। और माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में आपके पास इमेज वर्चुअल बनता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे हो तो जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका ओ, जिसको लेबल किया हुआ है रेड पॉइंट से, वो एफ और लेंस के बिटवीन है, लेकिन जो इमेज है वो आपका मैग्नीफाइड है और वो पीछे तरफ पड़ा हुआ है रेड कलर का जो एरो नजर आ रहा है वो मैग्नीफाइड है। तो एक ही साइड पे है तो जो इमेज आपके पास बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो इसके लिए हमने केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा बिटवीन एफ एंड लेंस। तो इस वजह से पहले तो हमने एडजस्टमेंट ये करनी होती है कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे करेंगे इसको आपने ऑब्जर्व करना। फिर इसके बाद एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, बीटा ओवर अल्फा। बीटा में पता है एंगल सबटेंडेड बाय द एडिड आई होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लेंस यूज कर रहे हैं तो उससे जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा और जो अनएडेड आई से बनेगा वो अल्फा होगा। इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, ग्रेटर देन वन होगी, लेस देन वन होगी? ग्रेटर देन वन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है, बिकॉज हम लोग मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हैं। और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो आपके पास साइज ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर है देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जस्ट रिकॉल करने के लिए यूज किया। ये वो फॉर्मूला है जो ज़ुबैर भाई बता रहे थे कि 1 प्लस d ओवर f आपने कब यूज करना है और d ओवर f कब यूज करना है। तो इस केस में आपने 1 प्लस d ओवर f यूज करना है, क्योंकि जो आपके पास इमेज है वो आपके पास मैग्नीफाइड है और वर्चुअल बन रहा है, मैग्नीफाइड और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है कि जो हेड पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम होती है, उसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो वन वाला फैक्टर कट ऑफ हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है लेंस फार्मूला से। क्यू वन ओवर इन्फिनिटी जब पुट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला जो है वो डी ओवर एफ बन जाता है। तो इस तरह करके ये दो जो है वो मैग्निफिकेशन के फार्मूलाज हैं। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे बेसिक, वन सेकंड सर जी, लास्ट स्लाइड में सर यूज हुआ है यहाँ पे लैम्डा, तो उस वो लैम्डा जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन जो हम एक हमारे पास होता है उसी के दरमियान होगा या उसकी कोई भी वेवलेंथ होगी? भैया जहाँ तक तो मेरा ख्याल है अगर आप इनविजिबल रीजन की लाइट यूज करेंगे तो इनविजिबल की लाइट से आप इमेज को कैसे देख सकेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ये इमेज कैसे बनेगा? तो नॉर्मली हम लोग विजिबल रेंज जो है उसी को सिलेक्ट करते हैं। ओके थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में मेजर डिफरेंस, एक तो मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर का, दूसरा जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ लेंसेज का है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। सिंपल माइक्रोस्कोप में वही ऑब्जेक्टिव और आईपीस, वहां पे डिफरेंशिएट ही नहीं करते क्योंकि लेंस ही एक है। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो लेंस यहाँ पे यूज किए जाते हैं और ये दो लेंसेज की वजह से ही हाई मैग्नीफाइंग पावर अचीव होती है। अब ये डायग्राम समझनी जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है और ज़रूरी भी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर हम जाएं तो ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से पीछे पड़ा हुआ है, तो उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो आपके सामने एक मैग्नीफाइड इमेज बना रही हैं ए वन बी वन जिसकी हाइट एच वन है। ये आपका वही पहले वाला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो आपके पास इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव का केस सिर्फ देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो यहाँ पे है वो आईपीस से कम है,
वो आप इसके साइज को देख के भी समझ सकते हैं कि आप देखें ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर है वो कम है, आईपीस का डायमीटर जो है वो ज्यादा है, हाइट आप कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में। खैर हाइट जो है वो परफेक्ट पैरामीटर आ जाता है ऑब्जेक्ट इमेज में भी, तो हम लोग डायमीटर की ही बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर कम है, फोकल लेंथ भी कम है और आईपीस का जो है वो ज्यादा रखा गया। इसकी वजह क्या होती है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, और ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, तो अगर हम फोकल लेंथ हाई रखेंगे तो हमारे पास हाई रिजॉल्विंग पावर अचीव नहीं होगी, तो इस वजह से हम लोग जो यूज करते हैं। और दूसरा हमने ये एडजस्ट भी करना होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिक्स है एक तरह से, तो आप फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहे होते हैं या उसका पॉइंट एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बिटवीन रखना है, तो तब आपके पास ऑब्जेक्टिव का इमेज जो है वो मैग्नीफाइड, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ये एक स्टेप है। अब आई पीस के सामने ए वन बी वन इमेज ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आई पीस के लिए हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हम इमेज बोलते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है विच इज फॉर आई पीस, ये आप देखें ये इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस पड़ा हुआ, और अगर इनसाइड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बने तो हमने ये लर्न किया है अभी कि जो इमेज बनेगा एक तो वो मैग्नीफाइड होगा, दूसरा वो वर्चुअल होगा और दूसरा इरेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं फाइनल इमेज आपके पास एच टू है, एच टू और एच वन दोनों एक ही साइड पे हैं, इसका मतलब है इमेज वर्चुअल बन रहा है। दूसरा उसकी हाइट से आप देख सकते हैं उसका साइज बढ़ गया, मैग्नीफाइड भी हो गया, और आप हेड पोजीशन देख लें दोनों की सेम है तो इरेक्ट भी हो गया। तो यहां से हमने कंक्लूड ये किया कि जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनेगा वो रियल, मैग्नीफाइड और इरेक्टेड होगा, जो आई पीस से बनेगा वो वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा और अपराइट होगा। ये सेम रखिएगा, ये दोनों चीजें मैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ। मैं ये ऑब्जेक्टिव और आईपीएस की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने फाइनल इमेज की बात नहीं की। तो ये इनका आइडिया है और ये इसको समझना है। अब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीएस दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, क्योंकि आप देखें आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट ये करनी है कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव का इमेज बन रहा है वो विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस बनना चाहिए। इस वजह से ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स होती हैं जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो बनाई जाती हैं। अब हम आते हैं जिन विकास भाई और बात जैसे हमने मसलन हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज बना, हमने उसे अगेन एज ऑब्जेक्ट लिया जी, उसने फिर इमेज बनाया वर्चुअल, तो हम ऐसा अगर करें कि हम पहले उसका इमेज वर्चुअल बनाएं जो कि काफी बड़ा हो, फिर हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, तो इससे तो फिर हम बहुत ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर हाई नहीं होगी, रिजॉल्विंग पावर के लिए मैग्नीफाइंग पावर तो आप अचीव कर लेंगे, रिजॉल्विंग पावर अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए रियल इमेज होना चाहिए, रियल इमेज होना, शायद जो है वो भाई स्टार्ट में कह रहे थे कि शायद जो है वो इसी तरह की कोई सिचुएशन बनती है। या दूसरा ये है कि आप देखें आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस हम यूज करते हैं ना, और उसमें यही चीज हो रही है कि उसी साइड पे एक ही लेंस से मैग्नीफाइड भी बन रहा है और वर्चुअल भी बन रहा है। तो अगर हम इतनी कितना ज्यादा उसको बढ़ा लें कि हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी उतनी अचीव कर लें, रिजॉल्विंग पावर भी अचीव कर लें, वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें दो लेंसेज की जरूरत पड़ी है। और दूसरा कि पोजीशन एडजस्ट जो करने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट के नजदीक उसको रखना है, मेरे ख्याल में उसकी रिजॉल्विंग पावर का इशू आएगा कि जब आप उसको, क्योंकि वहां पे आपको जब वर्चुअल इमेज बनाना है तो आपको विद इन द एफ यूज उसको रखना है, और जब आप लेंस और एफ के दरमियान में रखेंगे तो उसकी पावर भी तो रिड्यूस हो जाएगी ना, अब वो वाला फैक्टर भी तो देखें, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर से जो है मेरे ख्याल में इशू आएगा, जिस वजह से हम उसको नहीं कर सकते। और वैसे भी बाय कॉमन सेंस भी है कि हम लोग पहला तो डिफरेंस ही यही लेते हैं ना कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहां पे जो है आपके पास जो मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर जो है वो हाई अचीव हो रही है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में आप ऐसी अरेंजमेंट करते हैं तो शायद आप मैग्नीफाई तो इतना ज्यादा कर लें लेकिन रिजॉल्विंग पावर उतनी अचीव ना कर सकें। ओके हो गया अवकाश भी, आगे चलो। हाँ जी, अच्छा लीनियर मैग्नीफिकेशन, अब यहाँ पे क्योंकि दो लेंस यूज हो रहे हैं और दोनों की मैग्नीफिकेशन डिफरेंट है, एक की मैग्नीफिकेशन क्यू ओवर पी है और एक की जो है वो वन प्लस डी ओवर एफ है। अब ये दोनों बातें जो है वो जुएब ने ऐड कर दी थी,
कि क्यू और पी हम क्यों यूज कर रहे हैं और वन प्लस डी ओवर एफ हम क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव की है वो क्यू ओवर पी है, क्योंकि वहां पे एफ और टू एफ के दरमियान में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, और आई पी इसके केस में क्योंकि वो इमेजिनरी बन रहा है और मैग्निफाइड है तो वन प्लस डी ओवर एफ ई बनाएंगे आप। तो जब टोटल मैग्निफाइंग पावर होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि मैग्निफिकेशन भी आप सिंगल लेंस से उतनी अचीव नहीं कर सकते जितनी आप कंपाउंड से अचीव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लेंस यूज करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा वन प्लस डी ओवर एफ ई ही करेंगे ना, और यहाँ पे ये जो इनहेंस होना है ये प्लस के साथ होना है, और जब आप टोटल अगर इन दोनों की देखें तो वो मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है। तो आप देखिए मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर जो है वो ग्रेटर चेंज प्रोड्यूस करता है, तो शायद दूसरी लॉजिक यहाँ से भी डेवलप हो सकती है। तो जो टोटल मैग्नीफाइंग पावर है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एम वन एंड एम टू हो जाएगा, और नोटिसेबल चीज जो है वहाँ पे वो ये है कि जो फोकल लेंथ है वो आई पीस की यूज होनी है, क्योंकि दोनों लेंस हैं तो वन प्लस डी ओवर एफ ई वाला जो है ये आई पीस के लिए फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगी। अब आते हैं जी फाइनल इमेज की तरफ। फाइनल इमेज जो यहाँ पे बन रहा है ये हमारे पास मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है और इरेक्टेड है। वर्चुअल क्यों था? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज अगेन दोनों एक साइड पे पड़े, इस वजह से क्या है वो वर्चुअल है। मैग्नीफाइड है ही है, और इरेक्टेड क्यों हम कह रहे हैं इसको कि आप अगर दोबारा इसी डायग्राम की तरफ आए तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट था उसका हेड डाउन है और जो फाइनल इमेज बन रहा है उसका हेड भी डाउन है, इस वजह से हम इसको इरेक्टेड कहते हैं कि ये जो है इरेक्टेड है। ये था जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद आखिरी चीज है जी यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें पता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज की जाती है। गैलीलियो ने सबसे पहले इसको यूज किया था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते थे, इस वजह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स होती हैं, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग और रेडियो टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग आप समझ गए होंगे, जिसमें लेंस यूज हो रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, यहाँ पे मिरर्स यूज होंगे वो रिफ्लेक्टिंग होगी, और रेडियो टेलीस्कोप जो है वो आपको पता है इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करते हुए जो है, बल्कि रेडियो वेव्स को यूज करते हुए जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से डेटा आ रहा है उसको जो है वो यूज करती है। और जो पहली टेलीस्कोप थी वो बाय द वे रिफ्लेक्टिंग ही थी जो गैलीलियो ने यूज की थी। यहाँ पे हम लोग लेंस यूज कर रहे हैं इस वजह से ये रिफ्रैक्टिंग है, और अगेन सबसे पहले रे डायग्राम है इसकी, और अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वाजे में नजर आ रहा है कि ग्रेटर इन साइज है, आई पीस जो है वो स्मॉलर इन साइज है, फोकल लेंथ उसी तरह जो है वो आपके पास बन रही है। अब स्मॉलर इन साइज है जो फाइनल इमेज आपके पास बन रहा है जो ऑब्जेक्टिव आई पीस की वजह से बनेगा, अगेन वो वर्चुअल बनेगा और वो इन्फिनिटी पे बनेगा क्योंकि लाइट रेज जो है वो पैरेलल हो गई हुई है। तो हम लोग यही हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया था कि जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्ट ना करें, तो उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी पॉइंट कंसिडर करेंगे। फोकल लेंथ का डिफरेंस है, आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है, ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होती है। इवन फोकल लेंथ और अपर्चर भी बड़ा रखा जाता है। अपर्चर का मतलब है कि जो लाइट एंट्रेंस के लिए जो पाथ है वो अपर्चर उसको बोला जाता है, वो भी लार्जर होता है। जितनी ज्यादा लाइट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आएगी उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, तो अपर्चर भी बड़ा रखा जाता है, फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। और ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता है वो रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिश्ड बनता है। डायमिनिश्ड का मतलब है स्मॉल इन साइज, एक्चुअल से उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। लेकिन जो आई पीस से बनेगा वो वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा। फिर इसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप को डिफाइन किया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ के सम की इक्वल होती है, और ये इसकी यही एडजस्टमेंट होती है, ऐसे ही इसको रखा जाता है। और इसके साथ साथ इसकी रिजॉल्विंग पावर का जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है, जो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करिया। तो ये यहाँ तक जो है वो आज का हमारा